जीती रहो खुश रहो। तो बड़ी माँ पूरे जोर शोर से चल रही होंगी ना छोटे 2.0 की दुल्हनियाँ लाने की तैयारियाँ, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि रियांश माना कैसे अरेंज मैरिज के लिए। सब बताएंगे, पहले तुम लोग बैठो। महाराज जी, महाराज जी सबके लिए जूस लेकर आइए। बैठो बेटा, हम अभी आते हैं। अच्छा वासीमर बेटा तुम आ गई, हम माता रानी के यहाँ दिया बाती करने जा रहे थे। आप बड़ी माँ, मुझे आपसे रियांश भैया की शादी के बारे में कुछ बात करनी है। रियांश की शादी के बारे में जरूरी बात करनी? हाँ बड़ी माँ। बड़ी माँ, रियांश भैया ने अपने पसंद की लड़की चुन ली है। हमारे लल्ला ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली? हाँ बड़ी माँ। ये देखिए, दिखाइए बड़ी माँ। मैंने तो कभी नहीं देखा इस लड़की को। बड़ी माँ, ये रियांश भैया की गर्लफ्रेंड है इशिता। देखा देखा ना बड़ी माँ, इस लड़की को आपने जिम्मेदारी दी थी रियांश की, और उल्टा ये लड़की रियांश की लव मैरिज कराने पे लगी है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सिमर, इस घर में अब सिर्फ अरेंज मैरिज होगी। तीन तीन लव मैरिजेस के नतीजे ऑलरेडी हम सब फैमिली भुगत चुके हैं, अब और नहीं। चाची जी, मुझे ना अरेंज मैरिज से प्रॉब्लम है ना लव मैरिज से। मैं आप किसी भी तरीके की शादी की वकालत नहीं कर रही। इनफैक्ट हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए चाची जी कि शादी का कौन सा तरीका अपनाया जाए। मैटर तो बस ये करता है कि जो भी नया सदस्य इस घर से जुड़े, इस घर का हिस्सा बने, वो उसे पूरी तरीके से अपनाए और हम भी उसे अपने दिलों में जगह दे पाए। और ऐसा इंसान, ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने की गारंटी तो ना अरेंज मैरिज में मिल सकती है ना लव मैरिज में। इसलिए कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, बल्कि सही या गलत तो ये तय करता है ना कि उन दोनों के बीच में आपस में तार जुड़ते हैं कि नहीं। हो गया तुम्हारा भाषण, अब सबने सुन लिया, अब और नहीं सिखाओ। और बड़ी माँ, आप भी इस बचकाने बातों में मत आइए। अरे शादी के बाद तो अच्छा खासा इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसे दो महारथी ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद है, और भीड़ मत इकट्ठी करो इस घर में। चाची जी छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपने अगर गुलाम वाली बात उठाई है तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि इस घर में सबकी तो लव मैरिज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सिमर सिमर तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। माफ कीजिएगा चाची जी, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं बस इस थॉट प्रोसेस के खिलाफ हूं कि अगर लड़की अरेंज मैरिज के तरीके से ढूंढी जाए तभी सही। ये तो सोच ही गलत है ना बड़ी, क्योंकि रिश्ते तो नियत से निकलते हैं, प्यार से टिकते हैं और ट्रस्ट से पनपते हैं, जैसे देवर जी और रीमा थी, भाई और अतिथि। और हम दोनों और चाची जी, वो लड़की मेरी पसंद बात है, सबसे पहले रियांश भैया की पसंद है। और एक माँ होने के नाते आप भी यही चाहती है ना कि रियांश भैया उसी लड़की से शादी करें जिसे वो पसंद करते, ताकि शादी के बाद उनकी जिंदगी में प्यार और खूबसूरती दोनों। और बड़ी माँ, वो लड़की सच में बहुत अच्छे खानदान से,
और वो लोग आगरा से ही। अच्छा, लड़की आगरा की? तो अरे फिर तो हम लोग जानते होंगे उनकी फैमिली को। कौन है, क्या नाम है? चाचा जी वो मिस्टर कपूर है, मिस्टर करण कपूर। मिस्टर कपूर वो कपड़े के बिजनेस वाले? हाँ वो कपड़े वाले। अरे हाँ, उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपोर्ट भी होता है उनका कपड़ा। और बड़ी माँ, वो लोग रियांश भैया से मिले भी हुए, उन्हें रियांश भैया पसंद है। रियांश, अब इस सब के बारे में तुम भी अपने मुंह से कुछ बोलोगे भी नहीं? वो बड़ी माँ, इशिता और मैं सेम कॉलेज में थे और हम सच्ची बहुत अच्छे दोस्त। रियांश भैया, आप अब तो बातों को मत घुमाइए प्लीज। बड़ी माँ, माँ इशिता मेरी गर्लफ्रेंड है। और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। रियांश? और बड़ी माँ, रियांश भैया को वो लड़की से पसंद ही नहीं, उन्होंने उस लड़की को अंगूठी भी बनाई है। अंगूठी? हाँ बड़ी माँ, रियांश भैया ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। रियांश, इतना बड़ा फैसला हम सबसे पूछे बिना ले लिया, और वो लड़की अपनी माता पिता की मर्जी के बिना उसने रियांश ओसवाल की दी गई अंगूठी भी पहन ली, ये कैसी लड़की हुई भला? वो बड़ी माँ, रियांश भैया ने अचानक से सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया था, उसे नहीं पता था कि रियांश भैया ऐसा करने वाले हैं। ये सब क्या किया तूने रियांश? एक बार हम में से किसी एक मिनट, सिमर तुम उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? ऐसा तुमने उसके बारे में क्या जान लिया, क्या परख लिया कि तुम्हें लगता है कि इशिता रियांश के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगी? मैं मिली हूं इशिता से भाई, इनफैक्ट मैं और आरव जी हम दोनों मिले, और मैंने देखा बड़ी माँ, जब इशिता को पता चला कि रियांश भैया ने घर वालों से सच छुपाए, उसे भी पूरी बात नहीं बताई है, तो उसने रियांश भैया पर गुस्सा करने की जगह उनका साथ दिया, और वो तो मेरे मुंह से भी रियांश भैया के खिलाफ गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो रियांश भैया को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी बड़ी। उन्होंने इनफैक्ट अपने मम्मी पापा को भी सब कुछ बता दिया बड़ी। बड़ी माँ, हमें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में यही गुण तो चाहिए होते कि वो सपोर्टिव, ट्रस्टवर्थी हो। मुझे इशिता में ये सारे गुण दिखे पड़े। हमने रीमा दीप, तीवर जी, अदिति, गगन सबकी शादी में पता चली गया कि अगर घर वाले प्यार के खिलाफ हो तो कितने लोगों के दिल टूटते। हमें फिर से वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए पड़े। जब लड़की अच्छी, उसका खानदान अच्छा, और सबसे बड़ी बात अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हमें उन दोनों को एक फेयर चांस देना चाहिए पड़ेगा। मतलब उस लड़की में भी वही सारे गुण हैं जो हमारे आरव के जीवन साथी में है। तो सिर्फ लड़की में गुण होने चाहिए, लड़के में नहीं। मतलब लड़का कैसा भी हो पर उसे मिलेगी गुण वाली ही लड़की। कैसे भी हो से आपका क्या मतलब है थी? पहले नारायण हाउस और फिर ओसवाल परिवार में लकीली हमें सिर्फ आइडियल में नहीं दिखे, जो अपने लाइफ पार्टनर को वो प्यार, वो रिस्पेक्ट देते हैं वो जो वो डिजर्व करती है। And I'm sure, रियांश भैया भी शादी के बाद वही परफेक्ट लाइफ पार्टनर बने, और अगर वो फेल भी हो गए तो इशिता है ना उन्हें संभालने की। सिमर तो फिर से ब्राउनी पॉइंट्स ले गई।
एनीवे मुझे रियांश की शादी, गर्लफ्रेंड, फियांसे, इन सब से क्या लेना देना। आई शुड जस्ट फोकस ऑन माय नेक्स्ट असाइनमेंट। तू पढ़ी माँ, आपकी इजाजत है। देखो सिमर बेटा, रियांश की पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी हमने ही तुम्हें दी थी, तो अगर तुम्हें लगता है कि इशिता रियांश के लिए सही लाइफ पार्टनर साबित होगी तो उनके माँ बाप से मिलो, बात पक्की कर दो।